हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम विदेश विदेश टॉपिक पे नए नए बातें करते रहते हैं, उसी प्रकार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपको विदेश के बारे में। कुछ ऐसे कंट्री के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे जगह के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे काम के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ एक बात और मैं बताऊंगा कि कैसे आप जाए विदेश कंट्री में तो कभी नहीं फंसेंगे। दोस्तों मैं जो बताता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मेरा जो भी व्यूवर्स हो और मेरा वीडियो देखता हो और वह अन्य कंट्री में जाने की तैयारी करता है तो उसको एक जैसे होता है कि मैं अपने एग्जाम जब देता हूं तो खूब बढ़िया तैयारी कर लेता हूं मैं अच्छा नंबर पाने के लिए। उसी प्रकार दोस्तों आप अपने आप को इतने तैयार करिए कि विदेश में जाने पर कोई भी दिक्कत कोई भी संकट आप पर ना आए। कभी ये ना कहे कि मैं विदेश में गया तो खाने को नहीं पाया, इस काम में गया तो यह काम नहीं पाया, सर्विस की सैलरी की बात हुई तो 18 दिनार 15 दिनार रियाल तो मुझे इतना नहीं मिला, मुझे कम मिला, मैं फंस गया, ये वो तमाम बातें हर एक इंसान के अंदर रहता है। आज दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, चाहे बंगाल के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे नेपाल के हो, चाहे भूटान के हो, चाहे इंडिया को, चाहे मध्य प्रदेश को, चाहे उड़ीसा को, चाहे आप जिस भी कंट्री के रहने वाले हैं और आपका एक ड्रीम है कि विदेश में जाकर अच्छा खासा पैसा कमाने का, तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मैं नए नए जॉब और नए नए सर्विस के बारे में बताता हूं, आप कैसे विदेश में जाएं नहीं फंसेंगे, कितनी आपकी सैलरियां होंगी यह बताता हूं और कौन सा काम आपको सीख कर जाना चाहिए विदेश में यह बताता हूं और हम यह कैसे जाने कि एजेंट मुझे फ्रॉड में डाल रहा है कि इस कंपनी में सही डाल रहा है, पूरी जानकारी दोस्तों हम बताते रहते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, साथ ही साथ आपको नॉलेज मैं जो भी बताऊंगा आज तक जरूर पहुंचेगी। तो दोस्तों हम बात कर लेंगे आज पहले इस टॉपिक पे, विदेश में लोग कैसे जाकर फंस जाते हैं और उनको उनको कैसे सताया जाता है, उनको समय से खाना कैसे नहीं मिलता है, समय पे सैलरियां कैसे नहीं मिलती है, जिस काम में जाते हैं वह काम क्यों नहीं मिलता है, पूरी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि दोस्तों आप भी एक ड्रीम बनाए हैं, एक ड्रीम है और विदेश कंट्री में जाकर पैसा कमाने के लिए, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदीया हो, चाहे दोहा कतर हो, चाहे कह सकते हैं सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, या चाहे कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जिस भी कंट्री में यदि आप लोग जाना चाहते हैं तो मैं दोस्तों ऐसा एक ट्रिप बताने वाला हूं जिस प्रकार से आप कभी भी विदेश कंट्री में फंस नहीं सकते हैं, आप पर कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। पहला नंबर, जब हम विदेश जाते हैं किसी एक एजेंट को पकड़ते हैं, वह मुझसे चाहे 1 लाख मांग लेता है, चाहे 50,000 मांग लेता है, चाहे 60,000 मांग लेता है, चाहे 70,000 मांग लेता है, चाहे 80,000 मांग लेता है, चाहे 40,000 रुपया मांग लेता है, वो किस लिए मांगता है दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वो पैसा लेता है आप लोग के विदेश भेजने के लिए। इसकी वो गारंटी नहीं है कि आप कौन सा काम करेंगे, कितनी सैलरियां होंगी, कितनी खाने की मिलेगा, क्या क्या दिक्कतें आप पर होगी, जो वहां जाता है वही जानता है। तो मैं दोस्तों आपकी ज्यादा कीमती समय ना लेते हुए कुछ टाइम में ही बता दूंगा। जैसे कि मान लीजिए हम इतना पैसा देते हैं तो किस लिए देते हैं, कभी आपने ये बातें को सोचा है? आप ये सोचते हैं कि एयरपोर्ट को मतलब टिकट के दे दिए और मेट का क्या बोला जाता है वीजा के लिए दे दिए, ऐसा नहीं दोस्तों। जैसे कि देख लीजिए यदि टूरिस्ट वीजा लेंगे तो इंडिया करेंसी में कम से कम 3,000 से 1,500 रुपए के बीच में टूरिस्ट वीजा आ जाएगा, चाहे जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं केवल 15 से 10 दिन का टूरिस्ट वीजा आ जाएगा। टूरिस्ट वीजा का मतलब होता है केवल आप काम नहीं कर सकते, केवल उस कंट्री में घूमने के पर्पज से गए हैं। और टिकट की बात कर लिया जाए तो कम से कम 8,000-9,000 के करीब में आपको टिकट मिल जाएगा। तो अगर हम बात कर लिया जाए तो 20,000 के 15,000 के लगभग में टूरिस्ट वीजा और टिकट दोनों मिल जाता है, तो हमको 1 लाख देने की जरूरत क्या है, 80,000 देने की जरूरत क्या है, 70,000 देने की जरूरत क्या है, कभी ये सोचे हैं आपने? जितना पैसा होता है सब एजेंट आपसे कमाते हैं। तो दोस्तों यदि आप कभी भी विदेश जाते हैं तो हम आपको बहुत ऐसे वीडियो हैं जिसमें बता चुके हैं कि एजेंट को या चाहे अपने नात हित रिश्तेदार से या चाहे अपने संपर्की से किसी से राय मशवरा लेकर ही विदेश कंट्री में जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप अपने कंट्री में रहते हैं चाहे इंडिया में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे भूटान में हो, आप अपने कंट्री में ही रहकर जो करना हो कर सकते हैं। विदेश कंट्री में कभी मत सोचिएगा मेरे दोस्त कि मैं जाकर वहां कुछ कर सकता हूं। वहां तो दोस्तों ऐसा होता है कि आप जिसको बोल सकते हैं उसी से बोल सकते हैं और कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। तो यदि दोस्तों आप जाना चाहते हैं दुबई कंट्री में, चाहे सऊदी में, चाहे कतर में, चाहे कुवैत में, किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो आप अपने एजेंट से मिलिए। जब 70-80 हज़ार हम देते हैं तो दोस्तों हमें परमिट वीजा लेना चाहिए जिसमें आपका एग्रीमेंट होगा,
उसमें पूरा प्रोफाइल लिखा रहेगा कि आपको मैं 8 घंटा ड्यूटी दूंगा, 2 घंटा ओवर टाइम दूंगा या चाहे 4 घंटा ओवर टाइम दूंगा, आपकी इंडिया करेंसी में 25,000 सैलरी रहेगी कि 20,000 सैलरी रहेगी, 35,000 सैलरी रहेगी, आपको ये काम देंगे, मतलब एग्रीमेंट होता है। जो दोस्तों जब हम कोई सामान लेते हैं तो जब ढेर दिन के लिए लेते हैं तो हम अपने इंडिया में ही रहकर, बहुत ऐसे लोग के देखे होंगे जो मतलब कुछ काफी टाइम खरीद लेंगे तो वह एग्रीमेंट करा कर उनसे लेते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों जब हम विदेश जाते हैं 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, साल भर के लिए, तो हमें एक एग्रीमेंट पेपर होता है, वह एग्रीमेंट जो होता है, हमें एग्रीमेंट के थ्रू हर चीज आपको नॉलेज हो जाएगा। जैसे कि टूरिस्ट वीजा लेगा तो कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, परमिट वीजा देगा 2 साल के लिए तो एग्रीमेंट होगा, जिसमें आपको कितना दिन ड्यूटी करना होगा, महीने में कितनी छुट्टियां रहेंगी, आपको बोनस फंड, पूरी चीज कंपनी प्रोवाइड करेगी। यहां तक यदि कंपनी आपको सब कुछ मुहैया करा रही है और आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए हम बात कर लिया जाए दुबई के, दुबई में आजकल बहुत लोग जाना चाहते हैं, तो दुबई में होता क्या है, मान लीजिए एम्बेसी है, आप परमिट वीजा लेकर नहीं गए हैं, टूरिस्ट वीजा पर काम कर लिया, कंपनी पैसा ही नहीं दे रही, तो आप कभी सुने हैं कि कोई टूरिस्ट वीजा लेकर एम्बेसी में जाएगा तो एम्बेसी में कोई नहीं उसका सुनवाई होगा, यदि आप परमिट वीजा लेकर जाएंगे तो आपको कंपनी रहना देगी, खाना देगी, कपड़ा देगी, बोनस देगी, फंड देगी, महीने पे सैलरियां देगी, पूरी व्यवस्था करेगी। इसलिए कि जो एग्रीमेंट वाला होता है, जो परमिट वीजा आता है, जो कंपनी तैयार करेगी, तो उस कंपनी का पैसा लगता है, तभी जाकर ये एग्रीमेंट वाला पेपर बनता है और परमिट वीजा बनता है। वो कंपनी पैसा लगाती है आपके ऊपर कि आप आइए, हम पैसा पूरा लगाते हैं। और एक बात तो मैं बता दूं, कंपनी आपको टिकट देती है, वीजा देती है, आपको मेडिकल कराने के लिए पैसा देती है, आपके ऊपर कंपनी खुद सारा पैसा खत्म करती है। पर कुछ ऐसे एजेंट हैं जिनमें आपको टूरिस्ट वीजा पर भेज देते हैं, आपसे कहेंगे कि वहां पर जाइएगा, मैं पूरी व्यवस्था आपको कर दूंगा। तो दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप कभी भी टूरिस्ट वीजा पर ना जाएं, परमिनेंट वीजा लीजिए। आप 2 साल के एग्रीमेंट अपने कंट्री में रहकर ही कराकर, एग्रीमेंट में आपका सिग्नेचर होगा, आप विदेश में चाहे किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहां का कपिल, आप कपिल का सिग्नेचर होगा कि भाई हम राजी हैं, ये भी राजी हैं, ये हमारे कंट्री में आकर, हमारी कंपनी में आकर काम कर सकता है। तो दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप भी यदि आप विदेश कंट्री में जाते हैं तो आपको सावधानी पूर्वक से एग्रीमेंट के साथ ही जाइए, आप पर कभी भी कोई भी उंगली नहीं कर सकता। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम कुछ और लेकर जानकारी।